Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tomar Academy. In the previous video, we covered everything about reflection of light. वहाँ पर हमने laws of reflection पढ़े थे, फिर हमने ray diagrams बनाए थे, concave mirror के भी, convex mirror के, for different positions of object, फिर हमने numericals भी किए थे. तो अगर अभी तक आपने वो videos नहीं देखी, तो मैंने उन सारी videos के link अपने इस video के description box में डाल रखा है. तो जाकर उन्हें भी जरूर पढ़िएगा और सीखिएगा about reflection. और आज की class में हम क्या सीखेंगे? Refraction of light. तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये बताओ कि जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी चलती है या कहीं भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है. हमने जो रे डायग्राम्स बनाए थे वहां तो हमने सीधा एक स्केल से सीधे एरोस बना देते हैं और वो रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट पाथ में दिखाते हैं, पर क्या सच में हर समय सीधी ही चलती है या कभी कभी अपना रास्ता चेंज कर लेती है? चलो अभी इस एक्टिविटी को बताना कि इसमें हो क्या रहा है. अभी आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा है, नो डिस्टॉर्शन इज देयर इन द हैंड. अब देखना इस बॉटल के थ्रू, तो यहां पर अभी आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, अभी भी नॉर्मली दिखाई दे रहा है, ये पिछली बार से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड नजर आ रहा है. आई थिंक सो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया इसमें. और अब जरा देखिएगा जब वो वाटर के थ्रू देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पर वो आपको जो भी हाथ दिख रहा होगा, तो अब शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टॉर्शन नजर आ रहा है. आ रहा है नहीं आ रहा? या फिर आपने जो और भी एग्जाम्पल देखे होंगे कि आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास एक लिया है, उसमें पानी डालो, उसमें पेंसिल डाल दो, तो फिर पेंसिल भी आपको थोड़ी सी टेढ़ी नजर आती है. या फिर आपने कभी रोड साइड से पानी लिया, बिस्लेरी की बात नहीं कर रहा, वो जो मशीन होता ना जिससे पानी एक ग्लास आपको दे देता, या फिर आपने चलो और फेमिलियर ले लेते हैं एग्जाम्पल, जो आप भंटा की बोतल पीते हैं, तो वहां पर वो ग्लास रखते हैं उसमें पानी, और पानी में ना लेमन डाल के रखते हैं, और वहां पर जो लेमन होता है वाटर में, तो वो आपको थोड़ा सा मोटा नजर आता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकाल देता तो आपको दिखता है बहुत छोटा सा. अभी फील किया नहीं किया? या चलो कुछ आप में ऐसे स्विमर भी होंगे, तो जब आपने स्विमिंग पूल में जाते हैं वहां पानी भरा होता है, तो आपको ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत कम डेप्थ का स्विमिंग पूल है, लेकिन जब एक बार पानी वहां से हटवा के देखिएगा फिर आपको रियल डेप्थ पता चल जाएगा कि वो बहुत ज्यादा गहरा है. इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं, आप एक घर में करके देख लीजिएगा. आप एक बड़ा सा टम्बलर ले लीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा और उसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए विच इज लाइंग एट इट्स बॉटम, तो जब पानी नहीं होगा वहां पर तो आपको लगेगा वो बहुत नीचे, लेकिन पानी डालने के बाद धीरे 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 वो आपको लगेगा कि ऊपर की तरफ आता जा रहा है. कभी फील? नाउ लेट्स डू वन एक्टिविटी to understand this topic more clearly. In this case, I have placed a coin at the bottom of container and now let's fill this container with water. And we'll consider two rays are going to be emerged from the object. And since these rays will move from optical denser medium to optical rarer, तो वो देखो normal से away deviate हुई हैं. ठीक है ना आपको? Now retrace these rays backward. Then the observer will see the apparent position of the coin slightly higher as compared to the actual position. तो देखो जो कॉइन है उसकी जो अपेरेंट पोजीशन वो उससे ऊपर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है. यही सेम रीजन स्विमिंग पूल में भी था. और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. आप ऐसे करिएगा, अपने कभी फ्रेंड का जो उसे चश्मे लगे होता वो चश्मा पहन के देखिएगा, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का चश्मा ले लीजिएगा और उसे पहन के चारों तरफ देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट पास है, कुछ दूर है, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आपने मूवी देखी हेरा फेरी, परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी वाली, तो उसमें जो परेश रावल जो होते हैं उन्होंने जो एक चश्मा पहना हुआ है, और चश्मे में उनकी आंखें कैसी नजर आती हैं? वो इतनी मोटी मोटी नजर आती हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा था? उनकी आंखें इतनी मोटी क्यों नजर आ रही? क्योंकि जो उन्होंने चश्मा पहना था उसका जो लेंस है वो बहुत मोटा था, तो जितना थिकनेस होगा उतना जो रिफ्रैक्शन है, जो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है. इसी वजह से उनकी आंखें ज्यादा मोटी नजर आ रही. ये जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के चश्मा पहन के देख रहे थे, तो वो जो रे ऑफ लाइट है अभी जैसे मेरी आईज है, वो तो रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है, तो मेरे को इमेज सीधी नजर आ रही है, तो रे ऑफ लाइट मैं यहाँ सीधी मान सकता हूँ. लेकिन जब चश्मा पहन लेंगे तो वो रे ऑफ लाइट चश्मे के थ्रू आती है, तब वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, और जब भी रास्ता चेंज हो जाएगा तो उसी फिनोमेना को आप क्या नाम दे रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर हो गया? चलो अभी मैं आपको एक मैजिक भी दिखाता हूँ. अब इस ट्रिक के बारे में बता रहे हैं, ट्रिक कैसे? दो एरोज दिखाई दे रहे हैं और दोनों एरोज की डायरेक्शन क्या? देखो वो आपके लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं. ध्यान से देखते रहना क्योंकि देखो अभी एक मैजिक होने वाला है. तो अभी आपके पास एक वाटर बॉटल आएगी और इस वाटर बॉटल में जो पानी उसके थ्रू देख रहे हैं ये एरो की डायरेक्शन क्या आती है.
देखा अभी एरो की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ये जा रही है आपके, ये देखो दोनों एरोज की डायरेक्शन अब आपके राइट से लेफ्ट में हो गई है, जबकि वैसे क्या है, वैसे देखो राइट में। अभी फिर दोबारा देखो आप, ये अभी भी देखो आपको राइट में नजर आ रहे हैं ना जब आप बॉटल के थ्रू देख रहे हो, लेकिन जब ये पानी के थ्रू देखना शुरू करो, ये देखो ये डायरेक्शन चेंज होगी ना, दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी। यही है ट्रिक और यही है मैजिक फिजिक्स का। अभी क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, क्लियर हुआ? समझ आई थी ट्रिक? तो यहाँ पर भी सिर्फ आपका रिफ्रैक्शन ही हो रहा था। चलो ये वाली नाउ सी द मैजिक, पानी के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन अब स्पून को देखो ऊपर आने दो और देखो स्पून में क्या आता है ऊपर। अब स्पून में आपको नजर आ रही है क्योंकि कुछ ट्रांसपेरेंट बॉल्स भी थी, पर जब ये पानी के अंदर थी तब तो नजर नहीं आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसका रीजन ये है क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन ट्रांसपेरेंट बॉल्स का और पानी का वो इक्वल है, जिसकी वजह से जो लाइट जब इनमें से पास कर रही है तो वो अपना रास्ता चेंज ही नहीं कर रही है, नो डिविएशन इज टेकिंग प्लेस। क्लियर? क्लियर हुआ? तो आई थिंक अब आपको सारा का सारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्लियर हो गया। नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन दिस। तो चलिए डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर ले। सो द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये ऑब्लिकली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑब्लिकली मीन्स जो रे है इट इज मेकिंग सर्टेन नॉन जीरो एंगल विद द नॉर्मल, देन ओनली वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व द चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट। एंगल जीरो हो जाएगा तो आपके पास चेंज इन पाथ ऑब्जर्व ही नहीं होगा, बट रिफ्रैक्शन तब भी होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब सिर्फ चेंज इन पाथ होना नहीं होता, तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या कि आपकी स्पीड चेंज हो रही है, आपकी वेवलेंथ चेंज हो रहा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है रिफ्रैक्शन। और हमें कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, जब वो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। वो पाथ कब चेंज होगा, जब उसमें ऑब्लिकली फॉल करेगा, यानी कि एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल नॉन जीरो होगा। इन दिस डायग्राम we will see that the ray of light is moving from optical rarer medium to optical denser medium, that is why it is bending towards the normal, and I is the angle of incidence between normal and incident ray, similarly r is the angle of refraction between refracted ray and the normal. aapko glancing angle ig bhi dikh raha hai aur angle of deviation bhi dikh raha hai. clear ho gaya? abhi hum karte hain laws of refraction of light. now we are doing laws of refraction of light. iski bhi do statement hai, jaisa humne law of reflection padha tha pichli videos mein, उसकी भी दो स्टेटमेंट थी, यहां पर भी दो स्टेटमेंट आती है। तो पहली स्टेटमेंट आ गई, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे, तीनों के तीनों ऑल इन द सेम प्लेन। द सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग से इसे भी पूछ लेता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मैथ्स है, मैथ्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला साइन है, इज कॉन्स्टेंट फॉर टू गिवन मीडिया, दैट मीन साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू eta, इसे eta यानी कि इसे refractive index बोलते हैं, new quantity आ रही है आपके लिए, and this second law is also known as Snell's law of refraction. तो sometimes one marker पूछ लेते हैं define Snell's law of refraction. अब refractive index क्या चीज है? तो अभी तक हम सीख रहे थे कि जो path है ray of light का वो change हो रहा था, पर कब change हो रहा था? When the ray of light is moving from one medium to the another medium. तो उसमें से हम एक medium को बोलते हैं optical rarer medium और दूसरे medium को हम नाम दे रहे हैं optical denser medium. So optical rare medium is that medium in which speed of light is more, or optical denser medium is that medium whose in which the speed of light is less. अब वो कैसे मैं differentiate करूँ कि air rare medium है या water denser medium है या plastic उससे ज़्यादा denser medium है? हर बार speed of light तो मैं निकालूंगा नहीं, है ना? वो कैसे calculate करूँगा मैं daily life में? तो इसीलिए we are getting a tool to compare the optical density of two different medium, and that tool is refractive index. तो यहां से मेरी हेल्प हो जाता है, दैट मींस अ मीडियम हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी कंसीडर्ड एज ऑप्टिकल डेंसर एज कंपेयर टू द अनदर वन। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, सो इन दिस केस योर वाटर विल बी कंसीडर्ड एज ऑप्टिकल डेंसर एज कंपेयर टू एयर। और एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता और वाटर का 1.33 होता है, तो इस केस में क्या हो गया, जो आपका ग्लास था वो ऑप्टिकल डेंसर हो गया और जो वाटर है वो ऑप्टिकल रेयरर हो गया था। तो एक ही मीडियम किसी के लिए ऑप्टिकल डेंसर भी हो सकता है और किसी के लिए ऑप्टिकल रेयरर भी हो सकता है, बस आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी दो टाइप का होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं पहले, फिर बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन absolute refractive index and relative refractive index.
So absolute refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. That means formula kya ban jayega iska? Refractive index of m stand for any medium is equal to c divided by velocity in that medium. And the c we already know, it is a constant, and in vacuum this value is always, ye aapko memorize karna bachcho, it is 3 into 10 to the 8 meter per second. Such a very high speed. Now for relative refractive index. So relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. यानी कि इसको हम लिख लेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, refractive index of medium 2 with respect to 1 ऐसे आता है, is equal to V1 divided by V2. क्लियर हो? तो ये फॉर्मूला हो गया, ये absolute refractive index का और ये आपका relative refractive index का. सर इसमें फर्क क्या होता है इन दोनों, क्यों अलग अलग हम क्यों पढ़ रहे हैं? So whenever we are comparing any given medium with vacuum or air, that means we are talking about absolute refractive index. And whenever we are comparing any two medium, then it is called relative refractive index. Water or glass ko main compare kar raha hu, to iska matlab main relative refractive index ki baat kar raha hu. Glass with air kar raha hu ya water with air kar raha hu, to iska matlab main absolute refractive index ki baat kar raha hu. Clear ho gaya? Now just tell me, what will be the possible values of absolute refractive index? Range kya hogi? Minus infinity to infinity ya koi bhi negative value ho sakti hai, koi bhi positive ho sakti hai. वो बताओ मेरे को. अगर आपको मेरे आंसर लिखने से पहले पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि हाँ सर हमें पता था, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको. देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम विल ऑलवेज बी लेसर देन दिस वैल्यू 3 × 10^8, हमेशा वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है. तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है आपका वो न्यूमिनेटर से हमेशा छोटा होगा, और जब भी डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन आपको कैसा मिलेगा? ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. However, if you are talking about air, we compare air with vacuum, we will get equal. That means, final answer kya hoga? The possible values for absolute refractive index for any medium will be greater than equal to 1. Clear hoga? इसलिए आप देखो books में भी जो refractive index की table है, वो किसकी table है? Relative की है या absolute की है? वो absolute की होती है. और उसमें देखो कि सारे के सारे जो values होंगी, वो air के लिए 1 होगा, और बाकी सब 1 से बड़ी होंगी. अभी इस फॉर्मूले को देखो और मैं इलैबोरेट करता हूं, तो ये और डिफरेंट पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है. वो कैसे आता है, यहां पे बात करते हैं. तो ये जो V1 था वो मैं यहां से अगर निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा? C/η1, और यहां पे निकालना चाहो तो बन जाएगा C/η2, यानी कि ये बन जाएगा η2/η1. तो ये भी फॉर्मेट आ गया मेरे पास. क्लियर हुआ? और फॉर्मेट बना लेते हैं. तो ये मेरे पास अभी तक दो फॉर्मूले हैं. In lower classes, we knew the formula velocity is equal to frequency into wavelength. And if bachche ek baar dhyan rakhna, jo bhi main thodi der pehle bata raha tha, that during refraction, there will be a change in the path if the angle is non-zero with the normal, or there will be change in speed and there will be change in wavelength. But there will no change in the frequency of the light. Frequency remains the same. Ye dhyan rakhna hamesha. So in medium 1, the formula for velocity will be frequency into पहली वेवलेंथ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इसलिए न्यू 1 न्यू 2 कुछ नहीं लिखेंगे, न्यू ही लिखेंगे. और दूसरे में वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा न्यू इनटू अनदर वेवलेंथ. ये कट गया तो आपके पास ये फार्मूला आ गया. तो ये आपके ओवरऑल फार्मूला बन गए, दैट η21 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू η2/η1 इज इक्वल टू λ1/λ2. इन फार्मूलास के ऊपर छोटे-छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, ये कोई हेवी या बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं होते, इन पे छोटे-छोटे न्यूमेरिकल आते हैं. नाउ वी विल लर्न कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स क्या क्या है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिसाइड करता है. वो नाउ वी विल लर्न फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स. तो फर्स्ट फैक्टर इज दैट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम. हर मीडियम का अलग अलग नेचर होता है और हर मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, यानी किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो. जैसे कि जब मैं एयर को वाटर के साथ कंपेयर कर रहा था तो वाटर क्या बन गया था? ऑप्टिकल डेंसर एज कम्पेयर टू एयर. जब मैंने वाटर को ग्लास से कंपेयर किया था तो वाटर मेरा ऑप्टिकल रेयर बन गया था और ग्लास ऑप्टिकल डेंसर बन गया था. तो डिपेंड करता है किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट. एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर. एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देता हूं मैं आपको. देखो, इसे बोलते हैं कॉचीज फॉर्मूला. अब कॉचीज फॉर्मूला में क्या गिवन होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a+b/λ² + c/λ^4, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट. सो दिस फॉर्मूला इज टेलिंग मी दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ. सर इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है दैट सेम मीडियम विल प्रोवाइड डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू डिफरेंट कलर्स. यानी कि जो अगर मैंने वाटर का बोला है वो 1.33 है तो वो सर्टेन कलर के लिए, और वो अगर मैं ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इन सबको डालूंगा तो सबको डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा. अब किसको ज्यादा देगा किसको कम मिलेगा तो वो देखो यहां पर आ जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन सी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. जितना वेवलेंथ कम होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उतनी ही बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी. तो ये ऐसे पता चलता है. तो जितने अगर आप देख रहे हैं डेली लाइफ में और लाइट की ज्यादा बेंडिंग हो रही है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या वेवलेंथ बहुत छोटा है. तो फिर आप थोड़े से न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं. इस टॉपिक पे इजी से न्यूमेरिकल होता है, जो भी फॉर्मुला देखे थे वो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है. तो चलो न्यूमेरिकल पहले के इजी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर लेवल बढ़ाएंगे. तो वो इजी न्यूमेरिकल आ रहा है आपका, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. बड़ा ध्यान रखना, इट माइट बी पॉसिबल कि ये लाइन आपके एग्जाम में क्वेश्चन में मिसिंग हो. ये हम देंगे ही नहीं, बिकॉज मैंने बताया था ये आपको याद करनी है, वो पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड एयर में कितनी है. एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब इज 2×10⁸ मीटर पर सेकंड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब. तो फॉर्मूला मैंने आपको दे ही रखा है पिछले, ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है सी अपॉन वेलोसिटी इन दैट मीडियम. तो हो जाएगा सिंपल सा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2×10⁸ मीटर पर सेकंड और डिवाइड करके आ जाएगा 1.5. है सिंपल. तो ये वन मार्क का न्यूमेरिकल था आपका. अभी अगला कर लेते हैं, वो इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इन एयर एंटर्स अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट इन एयर क्या क्या गिवन है. वेवलेंथ गिवन है हमें वो है 600. नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 1.5. स्पीड जो कि हमें पहले से पता होता है वो हम V1 या फिर C लिख लीजिए, जो कि होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्या इस मीडियम की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. वेलोसिटी और वेवलेंथ की बस वैल्यू डालनी है, सॉल्व कर दो. तो अब ये हो जाएगा, ये काट आपने, ये हो जाएगा माइनस सेवन हो गया. यहाँ पे ऊपर जाएगा +7, हो जाएगा 10⁵. ये था 1/2 यानी कि 0.5. अब इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 5×10⁴ हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी आपकी, ये सारा डेटा आपका एयर के अंदर है, क्लियर. अब हमें निकालना है इन ग्लास स्लैब. फॉर्मूला क्या बता दो? लैम्डा इन अ मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. जो भी फॉर्मूला लिखे थे मैंने वहीं से निकाला मैंने. तो लैम्डा कितना था? 600 नैनोमीटर था, यानी कि 600×10⁻⁹ मीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पता है 1.5. तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 400×10⁻⁹ मीटर. फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा ही था, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए फ्रीक्वेंसी ने मीडियम दैट विल बी फ्रीक्वेंसी इन एयर जो कि हमारा 5×10⁴ हर्ट्ज ही रहने वाला है. अब रह गया वेलोसिटी. वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट से, दैट वेलोसिटी इन अ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो वेलोसिटी इन एयर होता है हमेशा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको आज का वीडियो भी समझ में आया होगा और सारा टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा. डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन आप कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, ये जो मैंने जो ट्रिक्स बताई थी जो आपको मैच की दिखाया था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा. तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एक थम्स अप भी बनता है. तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन कीप अप्लाइंग योर फिजिक्स इन डेली लाइफ, लर्न योर फिजिक्स फ्रॉम डेली लाइफ. जय हिंद, जय भारत.